हम बात करने वाले हैं भोजपुरी की उन हीरोइनों के बारे में जिन्होंने भोजपुरी का नमक खाया और अब भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से कर रही है गद्दारी। यानी कि आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिस थाली में खाया उसी थाली में कर रही है छेद। इसमें सबसे पहले और सबसे ऊपर नाम आता है मोनालिसा का। जी हाँ, मोनालिसा का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे हॉट और सेक्सी अदाकाराओं में गिना जाता है। आपको बता दें कि मोना ने अब तक तकरीबन 100 से ज़्यादा फिल्में भोजपुरी में की है और सारा नाम, पैसा और शोहरत उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से ही कमाई है। बिग बॉस 10 में जाने से पहले मोनालिसा एज अ भोजपुरी एक्ट्रेस ही जानी जाती थी। वो बिग बॉस में क्या गई, पॉपुलर क्या हुई, उन्होंने तो भोजपुरी एक्ट्रेस कहलाना ही पसंद करना बंद कर दिया। जी हाँ, आपको बता दें कि अब कोई मोनालिसा को अगर भोजपुरी एक्ट्रेस कहता है तो वो गुस्से से लाल पीली हो जाती है। भोजपुरी फिल्मों में तो उन्होंने काम करना तक छोड़ दिया है। जब से वो बिग बॉस के घर से बाहर आई, उन्होंने एक भी भोजपुरी प्रोजेक्ट नहीं किया। फिलहाल मोनालिसा स्टार प्लस के शो नजर में डायन बनी हुई नजर आ रही है। मोनालिसा के बाद नाम आता है श्वेता तिवारी का। जी हाँ, श्वेता तिवारी ने भी कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचाया था। आधा दर्जन से भी ज्यादा उन्होंने फिल्में की थी। अपने पूर्व पति राजा चौधरी के साथ उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में कदम रखा था, लेकिन जैसे ही उन्हें भी नाम, शोहरत और दौलत मिली, वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री को टाटा बाय बाय कहने में आपको बता दें कि मोनालिसा के तर्ज पर ही श्वेता तिवारी भी बिग बॉस के घर में गई और श्वेता तिवारी ने बिग बॉस का गेम ऐसा खेला कि वो सीधे विनर साबित हुई। फिर भोजपुरिया डायरेक्टरों ने उनकी इस कामयाबी को जब अपनी फिल्मों में भुनाने की कोशिश की तो श्वेता ने सीधे कह दिया कि भोजपुरी फिल्में अश्लील होती हैं और वो अब इनमें काम करना नहीं चाहती। आज श्वेता तिवारी टीवी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, लेकिन वो इस एपिसोड को बिल्कुल याद नहीं करना चाहती कि उन्होंने कभी भोजपुरी इंडस्ट्री में या भोजपुरी फिल्मों में काम भी किया है। श्वेता तिवारी के अलावा भाग्यश्री, नगमा, जैसी कई हीरोइनें हैं जिन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री से या भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने से पूरी तरह से तौबा कर ली है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता बहुत है। लेकिन एक बात सोचने वाली है, मानते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता बहुत है, लेकिन क्या इन एक्ट्रेसेस को ये अश्लीलता काम मिलने पर नहीं दिखाई देती, या जब वो बड़ी स्टार हो जाती हैं तब उन्हें ये अश्लीलता क्यों दिखाई देती है? जब भोजपुरी इंडस्ट्री से पैसा कमाना होता है तब इन्हें ये अश्लीलता नहीं दिखाई देती, लेकिन जैसे ही वो बड़ी सेलिब्रिटी बन जाती है उन्हें बड़ी ही अश्लीलता नजर आने लगती है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।